सीधी तस्वीरें चांद पोल की दिखाते हैं, जहां पर सीएम भजन लाल शर्मा मौजूद हैं। हरी झंडी ये दिखाई जा रही है, क्योंकि सरसों का तेल जयपुर से जा रहा है राम मंदिर में। भोजन प्रसादी की जो व्यवस्था होगी, वो जो भोजन बनेगा वो इसी सरसों के तेल से बनेगा। और ये राजस्थान का सौभाग्य है कि इतना बड़ा कार्य और उसमें राजस्थान की ये सहभागिता रहने वाली है, इस तरह का योगदान रहने वाला है। गंगा माता चांदपोल से 2100 तेल के पीपे जा रहे हैं। हरी झंडी सीएम भजन लाल शर्मा दिखा चुके और अब यहाँ से रवाना होते हुए अयोध्या ये तेल के पीपे भेजे जा रहे हैं। कार्यक्रम में सीएम भजन लाल शर्मा पहुँचे और हरी झंडी दिखाकर इन गाड़ियों को रवाना किया है, जो राम काज के लिए जा रही हैं। ये गाड़ी जो है, जिनमें 2100 तेल के पीपे जा रहे हैं और इन्हीं जो सरसों का तेल होगा, इसी से भोजन प्रसादी बनेगी 22 जनवरी को। देखिए कितना ये अद्भुत कार्य है और ये कितना बड़ा सौभाग्य जयपुर का है कि हमें इस तरह का राम काज करने का मौका मिला है। और राजस्थान के लिए तो ये गर्व की बात है, क्योंकि ना सिर्फ यहाँ से सरसों का तेल बल्कि यहाँ से पत्थर भी गया है। बहुत सारी चीज़ें राम मंदिर में योगदान राजस्थान से रहा है और ये राजस्थान के लिए गर्व की बात है कि यहाँ से जितना ज़्यादा योगदान हो सकता है वो दिया जा रहा है। और सीएम भजन लाल शर्मा जो अब स्ट्रेट हैंगर की तरफ जा रहे हैं, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, चांद पोल से निकलते हुए सीएम और अब सीएम का ये काफिला चांद पोल से सीधे स्ट्रेट हैंगर पहुंचेगा। इससे पहले की तस्वीरें थी, केसरिया साफा पहने हुए हर कोई नजर आ रहा था। सुनील हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं। सुनील, कार्यक्रम के बारे में जानकारी दीजिए, क्या कुछ रहा और हरी झंडी अब दिखा दी गई है। बिल्कुल, 22 जनवरी को जो अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा होगी उसको लेकर पूरा देश में जो माहौल है वो रामा हो गया है। उससे पहले आज राजधानी जयपुर से जो सीता रसोई होगी उसके लिए 2100 पीपे जो सरसों के तेल है वो भेजे जा रहे हैं। उसके लिए तमाम रथों को सजाया गया, ट्रकों को सजाया गया, ट्रकों में जो तेल के पीपे जाएंगे उसके लिए कार्यक्रम आयोजित हुआ था। उसको मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा है वो खुद यहाँ पर पहुंचे थे। हरी झंडी 2100 तेल के पीपे हैं उन सभी जो रथों को रवाना किए हैं, हरी झंडी दिखाया है और यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग और जो भक्त वो भी मौजूद थे। सभी जो रथ है वो अयोध्या राम रसोई के लिए रवाना हो गए हैं और हरी झंडी दिखाकर फिलहाल मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी यहाँ से रवाना हो गए हैं। इस पूरे कार्यक्रम में जो हवामान विधायक आचार्य के साथ साथ तमाम जो बीजेपी के जो पदाधिकारी नेता और जो धर्म यात्रा महासंघ है उसके पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद थे। बिल्कुल, और अब ये तमाम लोग अब यहाँ से रवाना हो जाएंगे। ये आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, सुनते हैं एक बार क्या कुछ कहा जा रहा है। ये यात्रा का प्रारंभ किया है 2100 तेल के पीपे, 11 पीपे घी के, अयोध्या में माँ सीता देवी की रसोई के लिए रवाना किया। इस यात्रा का शुभारंभ राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान भजन लाल जी शर्मा ने ये शोभा यात्रा इसलिए निकाली गई है, जयपुर के प्रमुख बाजारों में ये यात्रा चांदपोल बाजार से छोटी चौपट, त्रिपोलिया बाजार, बड़ी चौपट, रामगंज बाजार, भंडारे की सेवा में ये सेवा दी जा रही है। और ये राशन की सामग्री माँ जानकी जी के वहाँ जो भंडारा सेवा है उसमें जाएगी और लाखों भक्त प्रतिदिन प्रसाद पाएंगे। ये जयपुर वासियों की ओर से और यहाँ के संस्थाओं की ओर से ये सेवा दी जा रही है। ये क्रम आज से शुरू हुआ है, आप देखेंगे प्रतिदिन ऐसे ट्रक और ये राशन सामग्री जयपुर से जाने वाली है। भिन्न भिन्न संस्थाओं के द्वारा ट्रकों के ट्रक हजारों टन मन प्रसाद सेवा हेतु यहाँ से जाएगी ये।
और वहाँ पर जो राम भक्त आएंगे पूरी दुनिया से, वहाँ माँ जानकी जी के रसोई से प्रसाद पाएंगे। धर्म यात्रा महासंघ, विश्व हिंदू परिषद, भजन संध्या परिवार और जयपुर नगर के राम भक्तों की संस्थाओं की ओर से आज जो सीता रसोई माँ जानकी जी का भंडारा चलेगा अयोध्या में, जो लाखों भक्त पूरी दुनिया से आएंगे और माँ जानकी जी की रसोई का प्रसाद पाएंगे, उन भक्तों की सेवा में समर्पित ये राशन सामग्री की शुरुआत की गई है। ये आज शुरुआत है, ये प्रतिदिन हजारों टन सामग्री जयपुर नगर से, राजस्थान से, ये वहाँ भक्तों की प्रसाद भोजन व्यवस्था के लिए, भंडारे के लिए जाएगी। वहाँ संत और भक्त जो दर्शन को आ रहे हैं राम जी की सेवा में, ये उनके लिए भोजन प्रसादी की व्यवस्था ये अपराकाशी जयपुर नगर के भक्तों के द्वारा की गई है। और सहयोगी अमित हमारे साथ इस खबर पर जुड़े हैं। अमित, जरा जानकारी दीजिए, अभी बालमुकुंद आचार्य जी कह रहे थे कि भोजन प्रसादी की व्यवस्था के लिए ये व्यवस्था की जा रही है, सेवा की जा रही है, कितना यहाँ से सरसों का तेल जा रहा है, क्योंकि अभी कहा जा रहा है कि भाई हजारों टन जाएगा, जितना प्रसादी होगी उस हिसाब से सेवा की जाएगी, और जानपोल को लेकर क्या जानकारी, यहाँ पर क्या व्यवस्थाएं की गई? अमित, सुन पा रहे हैं आप? अमित, जरा अभी जानकारी दीजिए, क्योंकि भोजन प्रसादी के लिए सरसों के तेल को भेजा जा रहा है, सरसों का तेल के पीपे भेजे जा रहे हैं, जरा जानकारी दीजिए आज क्या क्या रहा है यहाँ पे कार्यक्रम। जी मेघा, मैं बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा, मेरे दर्शकों को बताना चाहूंगा कि धर्म यात्रा महासंघ राजस्थान विश्व हिंदू परिषद की तरफ से करीबन 2100 तेल के पीपे जो हैं वो अयोध्या भेजे जा रहे हैं। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होना है, और उस कार्यक्रम में जयपुर से 2100 तेल के पीपे हैं वो अयोध्या जा रहे हैं। अयोध्या में जो भोजन प्रसादी तैयार होती है, उस प्रसादियों के लिए ये जो तेल के पीपे, घी के जो पीपे हैं, ये यहाँ से अयोध्या लेकर के जाए जा रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे भी एक बार हम बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ कार्यक्रम है। लेकिन उससे पहले मैं ये दिखाऊंगा दर्शकों को कि किस तरीके से पूरा शोभा यात्रा की तरह यहाँ से जो तेल के पीपे हैं उनको रवाना किया जा रहा है। कुछ देर पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने यहाँ पर हरी झंडी दिखा करके इस रथ को यहाँ से रवाना किया। उसके बाद से यहाँ पर कार्यकर्ताओं में जिस तरीके का उत्साह है, चारों तरफ भगवान राम के भजन चल रहे हैं। भजन के अलावा ढोल ढमाकों के साथ में लोग खुशी मनाते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे खुशी इस बात की है, 22 तारीख को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, उसकी खुशी है। यहाँ जो है इनसे बात करेंगे, सर ये किस तरह का कार्यक्रम है, यहाँ से जो तेल के पीपे रवाना किए हैं कहाँ जाएंगे, क्या कुछ कार्यक्रम? ये अयोध्या जाएंगे, और अपने जो जहाँ राम जी का जो 22 तारीख को जो मूर्ति स्थापना होगी, उसकी जो जानकी रसोई है, उसके लिए 2100 पीपे वहाँ जा रहे हैं। उसी के लिए ये सारा इस तरीके से इसमें जो रथ है वगैरह उसके साथ में जा रहे हैं। यहाँ पर ये जो अयोध्या जो ये तेल के पीपे जाएंगे, 2100 पीपे तेल के अयोध्या जो जा रहे हैं, ये पीपे किस काम में आएंगे, वहाँ पे क्या कुछ क्या पूजा होगी इनसे? जानकी रसोई जो है वहाँ पे, जिससे भगवान का भंडारा, जिसको भोजन व्यवस्था होगी, तो जो भी भंडारे के अंदर ये रसोई का जो इसका जो 2100 पीपे है, सरसों के पीपे और घी के पीपे, उनसे ही भगवान के जो प्रसाद है वो बनेगा, और सब आप जनता को सबको खिलाएंगे। जी बेगा, तो जिस तरीके से 2100 तेल के पीपे यहाँ से जा रहे हैं, जो प्रसाद है जो 22 जनवरी को अयोध्या में जो भव्य राम मंदिर निर्माण के बाद में जो शिलान्यास, माफ कीजिएगा, जो मूर्ति की प्रतिष्ठापना होने वाली है, उसकी मौके पर तैयारियां हो रही हैं, सेवा चल रही है, और राजस्थान से, जयपुर से भी सेवा की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अमित, तमाम जानकारी के लिए।